want to speak a little bit? No, thank you. Sir, happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Sir, the news sir that's coming is, sir, will you be joining Twitter? Thank you. Happy Holi. Sir, just one question, sir. Will you be joining Twitter, sir? Thank you. Thank you. Sir, not a single question to answer. Thank you. Sir, where are you speaking from? मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को लंगड़ी मारने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से नई सियासी पारी खेलने जा रहे हैं। सिंधिया 18 साल तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, गांधी परिवार के करीबी रहे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के खास रहे। आज से ज्योतिरादित्य बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे। आज दोपहर 12 बजे उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद उन्हें पार्टी में शामिल कराएंगे। सिंधिया ने होली के दिन कांग्रेस के रंग में भंग किया। अटकलें तो पहले से ही थीं। कल सुबह सुबह उन्होंने इस पर मुहर भी लगा दी। खुद गाड़ी चलाकर अमित शाह से मिलने गुजरात भवन पहुंचे और फिर उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। घंटे भर के मुलाकात के बाद सिंधिया को इत्मीनान हो गया कि उनका अगला कदम क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाए जाने का आश्वासन मिला। वो राज्यसभा सांसद बनाए जाएंगे। उनके समर्थक विधायकों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो मंत्री या मलाईदार पद देने का भरोसा भी मिला। कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के फौरन बाद सिंधिया ने ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी इस्तीफे की चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया। पिछले 18 साल से कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य रहने के बाद अब आगे बढ़ने का समय है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। जैसा कि आप जानती हैं, ये रास्ता पिछले कुछ सालों में खुद तैयार हुआ है। हालांकि अपने राज्य और देश की जनता की सेवा करना हमेशा से ही मेरा लक्ष्य और मकसद रहा, पर मुझे लगता है कि इस पार्टी के साथ मैं अब ऐसा करने में असमर्थ हूं। अपनी जनता और मेरे कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं नई शुरुआत करूं। इधर सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी नहीं कि पार्टी नेताओं के बोल बदल गए। कल तक कांग्रेस के महाराज रहे सिंधिया कुछ ही पलों में गद्दार कहे जाने लगे तो बीजेपी ने बाहें फैलाकर स्वागत किया। पार्टी को तो एक्सपल करना ही पड़ेगा, क्या करेगा पार्टी? पार्टी के खिलाफ तुम जाके हमारे पार्टी के साथ गद्दारी करोगे, हमारे पार्टी को जो खत्म करना चाहते हैं और बीजेपी पार्टी को तुम और बलशाली करने की कोशिश करेंगे तो पार्टी क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? पार्टी को तो यही करना चाहिए था और पार्टी सही कदम उठाया। मुझे लगता है मुझे सरकार बचाने और उस पर तो कुछ बोलना नहीं है, लेकिन ये सरकार जाएगी। कमल खिल रहा है सर प्रदेश में। ये आज तो अभी तो राज्यसभा के चुनाव हो जाने दीजिए, ये तो बाद में फ्लोर की बातें होंगी। सिंधिया जी आ रहे हैं, आएंगे तो स्वागत। लेकिन सिंधिया समर्थक जश्न में डूब गए। ग्वालियर में तो मानो कांग्रेस का ही सफाया हो गया। कमलनाथ सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बंगले पर सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस्तीफे देने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़ी लगने लगी। इस्तीफा देने वालों में ग्वालियर कांग्रेस के अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद, युवा कांग्रेस और NSUI के पदाधिकारी शामिल थे। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, भोपाल से हेमेंद्र शर्मा और रविश पाल सिंह के साथ हिमांश मिश्रा, दिल्ली आज तक।